वेरी एक्साइटेड आज सुबह सुबह क्योंकि आज जो IDBI की मैराथन है मुझे रन दैट रेस से पहले रनिंग करने का मन नहीं कर रहा यार गाइस जस्ट गॉट डन विद द रेस प्रॉब्लम हो गई एक तो वैसे ही लेट हो रहा है और जो एंट्री है वो गेट नंबर 610 से है और मैं गेट नंबर 1 पे पहुंच गया हूं तो गेट्स बेटर हरी अप अरे इससे पहले रनिंग करने का मन नहीं कर रहा यार लेट्स सी हाउ इट गोज तो गाइस आई फाइनली रीच गेट नंबर 6 एंड यू कैन सी पीछे तो आई एम डूइंग माय एंट्री राइट नाउ तो उसके बाद देखते हैं रेस कैसे जाती कैसे नहीं जाती तो आई टॉक टू यू जब मैं रेस खत्म कर लेता हूँ आपको बताऊंगा कि रेस गई कैसी मेरी लाइफ की फर्स्ट 5K सी कैसे जाती सो गाइस जस्ट गॉट डन विद द रेस अच्छा था काफ़ी मज़ा आया तो लेकिन अगर आप चीज़ देखेंगे यहाँ पे सी द पीपल अराउंड एनर्जी इज अमेजिंग कमाल की एनर्जी है यहाँ पे और यू नो आई वुड ऑलवेज एनकरेज यू टू एक्चुअली आप किसी भी स्पोर्ट के हो कुछ भी हो इट्स ऑलवेज यू नो ऐसे इवेंट्स में आना बहुत अच्छा रहता है ट्राई टू मेक अप विद फ्रेंड्स एनर्जी कमाल की होती है एंड वेरी कंटेजियस यू फील लाइक वेरी अलाइव हियर तो आई जस्ट चेक आउट द एक्सपो यहाँ पे और यू नो क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं कैन यू गेस कि भीड़ किस चीज़ के लिए लेट अस फाइंड आउट सो इट टर्न्स आउट सारी भीड़ याकूल्ट के लिए थी तो मुझे नहीं मिला हाँ लेकिन सी व्हाट आई गॉट दिस मेडल नॉट बैड
guess I would be ending this vlog यहाँ पे. It was a great experience and again, जो भी लोग इसको देखें तो you know, make sure आप किसी ना किसी type के event में जरूर participate करें क्योंकि आपको फिर ही पता चलेगा कि कितनी कमाल की चीज़ होती है ये सब, इतनी energy क्या कमाल की होती है. So guys, thank you so much for watching. I'll see you soon. Till then. नहीं 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 अभी vlog खत्म नहीं करना. ये मुझे एकदम चीज़ याद आई, एक कितने से moment of realization हुई. Guys, पता क्या होता है, मतलब no matter आप क्या करो, सपोज करो आप एक किसी बड़ी रेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी लाइफ के कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, स्टूडेंट्स के लिए कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, हमारा जो तरीका होता है ना वो सिमिलर रहता है इन तैयारियों का. तो अब इस टाइप की चीज़ें, नो मैटर कोई फिजिकल एक्टिविटी है, कोई लाइफ की एक्टिविटी, कोई पर्सनल एक्टिविटी है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको अपनी अप्रोच सुधारने में बहुत हेल्प करेंगी. अगर आप एक रेसर हो, अगर मतलब एक मैराथन रेसर हो, अगर आप अपना जो टाइमिंग इंप्रूव करना चाहते हो, तो जो अप्रोच उस टाइमिंग को इम्प्रूव करने में यूज़ हुई है, वो एक्चुअली आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करेगी. तो ये ब्यूटी होती है इन इवेंट्स की. किसी इवेंट को सिर्फ ऐसे देखना कि और कैटेगराइज करना कि ये एक स्टैंडअलोन इवेंट है, वो इतना मेरे ख्याल से वाइज काम नहीं है, उतना समझदार काम नहीं है. तो इसमें और से और टाइम इन्वेस्ट करो, इस टाइप के इवेंट्स में और पार्टिसिपेट करो.